पिछले संडे से हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी उन प्लेयर्स के लिए जो अपना स्टेट छोड़कर किसी दूसरे स्टेट से ट्राई करना चाहते हैं। तो आज ये हमारा दूसरा संडे है, मतलब इस सीरीज का पार्ट टू है कह सकते हैं। पिछले संडे में हमने गोवा के बारे में बताया था, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो आज हम जिस स्टेट की बात कर रहे हैं वो है उड़ीसा। हम हर चीज़ आपको बताएंगे कि उड़ीसा में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, कैसे आप उड़ीसा जा सकते हैं और कैसे अपना उड़ीसा जाकर आप करियर बना सकते हैं। टाइम लेकिन आपको देना होगा, मैंने गोवा में भी कहा था, उड़ीसा पे भी मैं कह रहा हूँ। और किन प्लेयर्स को, ये भी आपको जान लेना जरूरी है, अगर आप ये सिचुएशन फेस नहीं करना चाहते तो आप उड़ीसा मत जाइए। तो पहले हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स के लिए। देखिए, जैसे सभी स्टेट्स के अपने रूल है, ठीक उसी तरीके से उड़ीसा के भी अपने रूल्स हैं। आपको वहाँ से एजुकेशन लेनी होगी, अगर आप 18 से नीचे हैं तो आप एजुकेशन ही लेंगे, या 18 से प्लस भी हैं या तो आप एजुकेशन के थ्रू जा सकते हो। दूसरा क्या है, आप जॉब कर सकते हो, अगर आप 18 प्लस हो तो आप वहाँ से जॉब करके भी खेल सकते हो। तो अगर आप जाना चाहते हो उड़ीसा तो पहले आपको क्या एकेडमी वहाँ ज्वाइन करना पड़ेगा या क्लब ज्वाइन। वहाँ देखिए एक चीज़ और आपको बताएंगे, उड़ीसा में ओपन ट्रायल्स नहीं होते, लीग बेस्ड पे ट्रायल्स होते हैं और सारी एफिलिएटेड जो क्लब हैं एकेडमी हैं उनकी लिस्ट उड़ीसा क्रिकेट एसोसिएशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे है, तो आप जा सकते हैं। और उड़ीसा में क्या टफ है, जैसे क्या है ना, उड़ीसा में भले एक अच्छा स्टेट्स है, क्रिकेट में उनका लेवल अच्छा है, लेकिन उस तरीके का क्रिकेट नहीं है, क्योंकि आप मौसम भी जानते हैं, थोड़ा पहाड़ी इलाका है, तो उस तरीके की आपको एकेडमी हर जगह उड़ीसा में नहीं मिलेगी। अगर आप उड़ीसा जाना चाहते हैं तो आपको भुवनेश्वर जाना पड़ेगा, वहीं दो चार एकेडमी है जो अच्छी क्वालिटी की एकेडमी, बाकी जगह भी हैं लेकिन उस तरीके का क्रिकेट का लेवल नहीं है जैसे हर जगह मिलता है। जैसे आप अगर यूपी में हो तो आप किसी भी सिटी में चले जाओगे, लखनऊ, इलाहाबाद या मुरादाबाद, आगरा, हर बड़ी सिटी में अच्छी एकेडमीज़ हैं, वैसा आप उड़ीसा के लिए नहीं कर सकते। तो उड़ीसा के लिए आपको एकेडमी या प्रैक्टिस का सिस्टम कम मिलेगा आपको। और लेकिन एक चीज़ यह है कि लेवल उनका क्रिकेट का अच्छा है, जितने भी एकेडमीज़ हैं उसमें क्रिकेट का लेवल अच्छा है, क्योंकि क्लब लेवल पे होता है, उड़ीसा टीम परफॉर्म भी अच्छा करती है। और एक चीज़ यह है कि डॉक्यूमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी, आप जैसे ही जाएंगे पहले वहाँ आप रूम एग्रीमेंट के थ्रू आप अपना आधार में अपडेशन करा लेंगे एड्रेस का, उसके बाद कहीं से आप अब एजुकेशन, अगर आप 10th पास है तो 11th में कहीं से एडमिशन लेना है, आप उड़ीसा से भी एडमिशन ले सकते हैं। और एक चीज़ और रहेगा, आपका कॉस्ट बहुत नहीं जाएगा उड़ीसा अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो, आप एजुकेशन और एकेडमी के साथ साथ 10,000 के नीचे में आप प्रैक्टिस कर सकते हो और सारी चीज़ें आपकी हो जाएगी 10 के नीचे, 10,000 के नीचे में, क्योंकि गोवा में जो है, मैंने पहले भी बताया था ना, गोवा में सर्वाइव करना टफ है, गोवा में 15,000 से 16,000 से कम बजट है आपका तो गोवा में प्रैक्टिस आप नहीं कर पाओगे। लेकिन उड़ीसा में ऐसा नहीं है, आपको स्कूल्स भी ऐसे मिल जाएंगे जिनकी फ़ीस कम रहेगी, या किसी गवर्नमेंट स्कूल में भी आप एडमिशन ले सकते हो जहाँ ना के बराबर फीस रहती है। हाँ, एकेडमीज़ की फ़ीस वहाँ भी आपको 1500-2000 पे अच्छी एकेडमी मिल सकती है, एक दो एकेडमी का अगर आप सजेशन चाहेंगे तो हम सजेस्ट कर देंगे, क्योंकि वो अच्छी एकेडमीज़ हैं, आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा कि कुछ भुवनेश्वर में अच्छी एकेडमीज़ चलती हैं तो आप वहाँ ट्राई कर सकते हो। देखिए, और एक चीज़ मैं सजेस्ट करूँगा, फेक डॉक्यूमेंट बनवाने के चक्कर मत पड़िएगा। देखिए, अब हर जगह फेक डॉक्यूमेंट नहीं बनते और उड़ीसा में भी ये पॉसिबल नहीं है कि आप फेक डॉक्यूमेंट बनवा पाओ, क्योंकि मिल जाएंगे दो चार लोग आपको सजेस्ट कर देंगे कि हम आपका फेक डॉक्यूमेंट यहाँ से बनवा लेंगे। लेकिन जो सही तरीका है वो मैं कह सकता हूँ, जैसे ही आप एडमिशन लेंगे तो आप लीग्स खेल सकते हो, मैचेस खेल सकते हो, लेकिन ट्रायल्स के लिए आप एलिजिबल नहीं होगे, बस सेलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होगे। 1-2 साल बाद आप क्वालिफाई कर जाओगे, और जैसे आप 10th में हो तो जैसे आप 12th पास करोगे, आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लोगे तो आप ट्रायल्स के लिए क्वालिफाई कर जाओगे और लीग बेस्ड पे होगा। और लेकिन एक चीज़ मैंने जो कहा है ना कि आपके पास ऑप्शंस कम है, हो सकता है आपको उड़ीसा में मैचेस कम मिले और स्टेट के मुकाबले और जगह के मुकाबले, क्योंकि हमने बताया ना कि वहाँ मौसम की प्रॉब्लम है, पहाड़ी इलाका ज़्यादा है उड़ीसा में। तो अगर आपको ये सब दिक्कत है कि आपको बहुत ज़्यादा मैचेस चाहिए तो उड़ीसा में आपको नहीं मिलेगा, आपको सीमित मैचेस मिलेंगे। हाँ, मैचेस के लिए आपको 80 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 100 किलोमीटर का भी ट्रेवल करना होता है, वो वहाँ के क्रिकेटर्स करते हैं, आप भी कर सकते हो। तो ये स्टेट है और पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है और क्रिकेट कम खेला जाता है, क्योंकि हम बताएं ना आपको, एकेडमीज कम है तो कॉम्पिटिशन भी कम है, अच्छा स्टेट है, आप ट्राई कर सकते हो। और बाकी और कोई किसी स्टेट्स के बारे में आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं तो लिंक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम उस पर भी वीडियो लाएंगे, लेकिन हर संडे सीरीज आती रहेगी। और इंस्टा का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं, वहाँ ज़रूर हमारे साथ